राजधानी भोपाल में छात्र लावण्या को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने तमिलनाडु सरकार पर धर्मांतरण करने वाली मिशनरी संस्थाओं को सहयोग देने का आरोप लगाया। छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने की मांग पर किए गए प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि तमिलनाडु सरकार जानबूझकर हिंदू अस्मिताओं को दबाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। लावण्या के समर्थन में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरी तो तमिलनाडु सरकार ने आनंद फानंद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी को झूठे केसों में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 19 जनवरी को छात्रा लावण्या ने धर्म परिवर्तन के दबाव से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया था और इसके बाद से ही लावण्या को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतर आई। मांग पूरी नहीं होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की धमकी दी है। जिस प्रकार हम सभी को ज्ञात है, चंचल रोटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत सहमंत्री भोपाल महानगर सहमंत्री, आज हम सभी को पता है कि कुछ लास्ट महीने जनवरी में 19 तारीख को कक्षा 12वीं की छात्रा लावण्या ने आत्महत्या कर ली। और उसका कारण क्या था कि उसके हॉस्टल में उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था हॉस्टल वार्डन द्वारा, और वो मजबूर होकर धर्म उसको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना था और उसने आत्महत्या कर ली। इसीलिए उसके बाद हम देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने जो आत्महत्या करने के बाद उस हॉस्टल वार्डन को गिरफ्तारी करवाई, गिरफ्तारी के बाद जब वो रिहा होती है तो तमिलनाडु के सरकार की एक मंत्री आकर उसका माला पहनाकर स्वागत करता है। तो ये तमिलनाडु सरकार की मानसिकता दिखाती है कि धर्म परिवर्तन करने वालों को वो वहाँ पे पनाह दे रहे हैं और इस मुद्दे को वो लोग पनाह देना चाहते हैं और दोषियों को बचाना चाहते हैं। यही हम देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पे प्रदर्शन करते तो 3 झूठी धाराएं लगाकर हमारी राष्ट्रीय मंत्री निधि त्रिपाठी जी को वहाँ पर घसीट कर गिरफ्तार किया जाता है और झूठी कार्रवाई कर झूठे धारा लगाकर 14 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो आज हम पूरे भारत में लावण्या के न्याय के लिए ऐसे ही खड़े होंगे और जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलता विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी और तमिलनाडु सरकार को लावण्या को इंसाफ देना ही पड़ेगा। आज सब हम सब लोग देख रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार के खिलाफ भोपाल में महानगर के कार्यकर्ता विद्यार्थी पर इकट्ठे हुए और पूरे भोपाल ही पूरे देश भर में लावण्या के साथ जो हुआ है उसके खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा है, उसी का प्रतिकार करते हुए तमिलनाडु सरकार का विरोध कर रहे हैं। और कल हमारी राष्ट्रीय महामंत्री जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनको जिस तरीके से पुरुष जो पुलिस वालों के उन्होंने दोहार किया, उनको महिला पुलिस वालों को गिरफ्तार करना चाहिए था, नहीं किया, उसका विरोध आज विद्यार्थी परिषद भोपाल के साथ साथ पूरे देश भर में कर रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और जिस तरीके से अभी तक कोई भी सरकार का व्यक्ति लावण्या के परिवार से मिलने नहीं गया, ना कोई कंपेंसेशन की बात अभी तक हुई है, और सबसे बड़ी बात यह कि षड्यंत्र पूर्वक कैसे है कि एक जब जो सिस्टर है जो बार्डन है जब जो जेल से छूटती है तो वहाँ का डीएमके का मंत्री उसके स्वागत के लिए खड़े होकर जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि स्टालिन सरकार लावण्या को न्याय नहीं दिलाना चाहती, ये महिला विरोधी सरकार है, इसलिए बड़ी संख्या में देश भर में एक बहुत बड़ा प्रतिकार और विरोध प्रदर्शन के रूप में विद्यार्थी परिषद संघर्ष कर रही है। ठीक है बड़ा भैया जी बताइए, आज जिस तरीके से आज ये पूरा आंदोलन है, जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार ने लावण्या के परिवार के साथ जो षड्यंत्र रचा है, आज पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद निरंतर आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है। आज हमारी कल राष्ट्रीय महामंत्री जी को भी गिरफ्तार किया गया है, झूठे आरोप लगाकर उन पर धाराएं लगाकर एक महिला के सम्मान के लिए विद्यार्थी परिषद लड़ाई कर रही है। तो पूरा षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को दबाने के लिए स्टालिन सरकार पूरे देश भर में उसके खिलाफ खड़े होकर विद्यार्थी परिषद विरोध भी कर रही है, इसलिए लावण्या को न्याय मिले। जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिल जाता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर आंदोलन करती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी। स्टालिन सरकार से हम डरने वाले नहीं है, चाहे वो लाठी डंडे की बात हो चाहे जेल जाने की बात हो। आज देश भर का युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, छात्राओं के अंदर एक गुस्सा है जो आप सब। खर मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।